The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्या आप वजन कम करते करते एक प्लेटू पे आ गए हैं क्या और आपका वजन कम नहीं हो रहा चाहे कितना भी कुछ ट्राई करें तो फिर उसका कोई कारण जरूर होगा वही कारण आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सो मैं हूं डॉक्टर परमजीत आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों अगर आप एक्चुअली अच्छी खासी रिड्यूस्ड डाइटिंग कर रहे हैं कि पूरा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है या आप मान लीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या आप कीटो डाइट कर रहे हैं या कोई भी डाइट कर रहे हैं और डाइटिंग करते हुए पहले तो वजन कम हुआ लेकिन अब और नहीं हो रहा कितना भी कर लो वो और वजन कम नहीं हो रहा तो उसके कारण होते हैं राइट क्या कारण होते हैं आइए बात करते हैं सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब आप लो कैलोरी डाइट पे जाते हो पहली बात तो आपके शरीर में टोटल ग्लूकोज टोटल ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है ऑब्वियसली आपका शरीर ग्लाइकोजन इस्तेमाल कर रहा है लेकिन कैलोरीज ही कम खा रही है वो स्टोर ही कम हो रहा है आपका यूसेज ज्यादा है स्टोरेज कम है यूसेज ज्यादा है सो स्लोली बॉडी क्या करती है आपका टोटल मेटाबॉलिज्म स्लो करने की काम करती है कोशिश करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए आप थोड़ा वीक फील करते हो लेकिन क्या हो जाता है उसी कम एनर्जी में आपका काम चलने लगे सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक स्लोइंग मेटाबॉलिक स्लो हो जाए मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है सो यू फील स्लगेश वीक और उसके बाद क्या होता है उतने एक्टिविटी करने पर भी आपकी स्पीड कम होती है अनलेस एंड अनटिल यू थ्रो बैक सम एग्रेशन कि नहीं मुझे तो करना है राइट एक्सरसाइज करने वाले लोग यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो एक्सरसाइज नहीं करते सिर्फ डाइट करते हैं जो सिर्फ डाइट करते हो एक्सरसाइज नहीं करते उनके इसमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाला कोई फैक्टर नहीं आ रहा क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं एक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका वजन कम हुआ यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर जब आप लाइट फील करना शुरू करें हल्का फील करें देन यू हैव टू यूज दैट एनर्जी वो लाइटनेस कि आप अपने माइंड से अपनी एनर्जी लेवल्स अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं अपनी एनर्जी लेवल जब आप बढ़ाओगे यानी एक्टिविटी बढ़ाओगे स्पीड ऑफ फंक्शनैलिटी बढ़ाओगे कि मैं जो भी करूंगा एक्टिवली करूंगा एक्सरसाइज करूंगा थोड़ी करता तब ज्यादा करूंगा अब थोड़ा सा तेज करूंगा अपने आप को चैलेंज करूंगा तब ही आप इस जो मेटाबॉलिज्म स्लो करने वाला साइड इफेक्ट है जो प्लेटू आता है जो आप हिट करते हो उसको अवॉइड कर पाओगे वरना नहीं वरना वो प्लेटू हिट करेगा और फिर आपको कुछ नहीं या तो फिर आप और कैलोरीज कम करोगे फिर और प्लेटू हिट करेगा या फिर आप अल्टीमेटली नहीं कर पाओगे यू विल गिव अप और खाना खा के फिर मोटे हो जाओगे है ना रेगुलर अच्छा खाना सो लो कैलोरी डाइट लेते हो किसी भी प्रकार की फास्टिंग करते हो किसी भी प्रकार का ये करते हो सो यू नीड एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज गुड थिंग चाहे मिनिमम करो चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट बस अपनी लाइफ को एक्टिव बनाओ जो काम करते हो भाई चलता फिरता तो सभी है थोड़ा तेज चल लो जो भी करते हो थोड़ा फास्ट कर लो राइट एक्टिविटी फास्ट रखनी बहुत जरूरी इसके अलावा और भी कारण है सो दिस इज वन रीजन यू आर नॉट एक्टिव दैट इज वन फर्स्ट बिगेस्ट रीजन उसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन है इररेगुलर स्लीप अगर आप सही मात्रा में सही तरीके से नहीं सो रहे देन योर बॉडी डज नॉट हील वेल डज नॉट गेट द रेस्ट नहीं मिलती हीलिंग नहीं होती सो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहता है ये स्ट्रेस और दिक्कत कई बार बहुत ज्यादा वजन कम कर देते हैं अननेसेसरी अननीडेड या वजन बढ़ा देते हैं राइट सो यू नेवर नो हाउ दैट विल रिस्पॉन्ड सो इररेगुलर स्लीप इज अ वेरी बिग एंड वेरी अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड प्रॉब्लम होती है उसमें उसका भरोसा नहीं किया जा सकता सेकेंड चीज बड़ी चीज है मिस कैलकुलेशन आप अपनी रेस्टिंग कैलोरीज ही कैलकुलेट सही नहीं कर रहे हो और अभी जो खा रहे हो राइट कैलकुलरीज ऐप जैसे कैलकुलेशन आप एप्लीकेशंस पकड़ लेते हो ये ऐप वो ऐप हेल्दी फाइमी ये फाइमी टोमाइमी और फिर क्या करते हो भाई आधा एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन है ऐसा करके आप अपना प्रोटीन कार्ब्स और वो गिनते हो बट ये याद रखिए एक कटोरी दाल 10 लोगों की जब एक घर में बनती है उनमें अलग अलग कैलोरीज होती हैं क्योंकि उसमें दाल कितना होगा पानी कितना होगा ये किसी ने नहीं देखा राइट ये किसी ने नहीं देखा कि आपकी दाल में कितने दाने उनकी दाल में कितने दाने हैं सो अलग अलग होता है सो दोज ऐप्स आर गिविंग यू वेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और इसीलिए उनके कैलकुलेशन से आप कई बार गलत चले जाते हो या तो आप बहुत ज्यादा लो चले जाते हो जितना लो जाने पे आपका सीधा मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो जाता है कम हो जाता है या आप बहुत नहीं लो जा पाते आप एक्चुअली बॉर्डर पे या उससे ज्यादा रहते हो जिसपे आपका वेट लॉस नहीं हो पाता
राइट. सो एप्लीकेशंस आर नॉट द बेस्ट थिंग. यू कैन जस्ट वॉच साइंस ऑफ सप्लीमेंट, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इसी डॉक्टर एजुकेशन के फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे, IFCT इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स पे जाके आप कच्ची चीज़ों का, कच्ची दाल, कच्ची सब्जी, उनका आप कैलोरीज पता कर सकते हो और फिर उसको इतने आपने पकाई, उसको पकाने के बाद फिर उसमें कितनी कैलोरीज बचेगी, दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन कैलकुलेट, नॉट ऑन दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस क्वाइट फ्रेंकली. सो दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे, राइट. कैलकुलेटर्स या कैलकुलेशन जब करते हैं तब कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं. केचप कितनी डाली, सैलेड्स में ड्रेसिंग कितनी डाली, सैलेड्स के ऊपर दूसरी चीज़ें मेयोनीज, ये वो पता नहीं क्या क्या खाया, उसको नहीं गिनते, वो इश्यू होता है. ठीक है, कई लोग दूसरी ऐसी कई चीज़ें जो अपने माइंड से स्किप कर जाते हैं कि ये भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ. सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो काउंटेबल, राइट. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. एंड देन द बिग थिंग इज़ योर हैवी चीट मील्स. अगर आप चीट मील ले रहे हो, चीट मील का मतलब नहीं है कि आप भर भर के छः छः पिज़्ज़ा खाओ या एक एक दो दो बड़े बड़े कुछ पिज़्ज़ा बर्गर खाओ. चीट मील का मतलब है आप पेट भर के कार्ब्स खा सकते हो, खाना खाइए, वो भी अच्छा कंप्लीट, उसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन उसमें भी आप, उसमें आप कार्ब्स ज़्यादा खा सकते हो ताकि आपका ग्लाइकोजन जो स्टोरेजेस हैं आपके लिवर में, आपके मसल में, वो भर जाए, वो भरे कम से कम हफ्ते में एक बार तो भरे, बाकी सारे टाइम आपने कार्ब्स कम खाए ताकि लो कैलोरी डाइट से आप चलते रहो तो आपका फैट्स यूज हो रहा है, हफ्ते में एक दिन कम से कम आपने ग्लाइकोजन स्टोर्स भर दिए. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ चीट मील, कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स भरे ताकि अगले हफ्ते आपको वीक ना लगे, एनर्जी डेफिशिएंट ना लगे, राइट. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो बहुत ही ज्यादा हैवी लोगे देन ऑल्सो इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर यू. एंड देन अल्टीमेट थिंग इज योर स्नैक्स. कई लोग बीच बीच में स्नैक्स लेते जाते हैं और उसका इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता कि कितने कैलोरीज खा जाते हैं. सो कैलोरी मिसकैलकुलेशन ऑन स्नैक्स, यानी अनहेल्दी स्नैक्स, इज वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर नॉट लूजिंग वेट. सो इवैल्यूएट योरसेल्फ. अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, फर्दर नहीं जा रहे हो फर्दर, तो ये सब कारण होते. और इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप वेइंग मशीन को देख रहे हो. द प्रॉब्लम इज सी, कई बार आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो, फैट्स कम खाते हो और कार्ब्स कम खाते हो, तो प्रोटीन के साथ एक्सरसाइज करते हुए आपकी मसल्स ग्रो होती है. एंड मसल्स आर डेंसर देन फैट. 2 से 3 गुना भारी होती है मसल फैट से. तो जब आपकी मसल बढ़ रही है, फैट कम हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, वजन सेम रहता है. वजन नहीं कम होता, आप पतले दिखने लग जाते हो, आपका साइज कम हो जाता है, लेकिन वजन सेम रहता है. लेकिन आप वजन का कांटा देख रहे हो, आप वजन का कांटा देख रहे हो, बोलते भाई मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा, हे भगवान मैंने क्या किया है. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मसल इज हैवियर देन फैट. सो मे बी अगर आप पतले हो रहे हो, आपका वेस्ट पतला हो रहा है, हाथ पतले हो रहे हैं, कपड़े ढीले हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग थिनर. आपका बॉडी फैट कंपोजिशन कम हो रहा है, आपकी मसल बढ़ रही है, दैट इज गुड. सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करो एंड देन रिवैल्यूएट वेर यू आर हेडिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मेरे से तो नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो रहा, आई एम ऑन अ प्लेटू. प्लेटू कैसे ब्रेक करना, तो ऐसे ब्रेक करना है प्लेटू. ठीक है दोस्तों, एनी क्वेश्चंस राइट डाउन, और कोई क्वेश्चंस, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो. नीचे कमेंट सेक्शन पे आके मिलिए मुझसे, मेरे लाइव डिस्कशन पे, सेशंस जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उसमें आपके लाइव रहने की ज़रूरत है हमें. जितने ज़्यादा लोग उतना अच्छा. आई एम डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.